चलिए, दिन में सपने देख रहे हैं लालू जी, नीतीश जी और बाकी लोग, इन लोग की एकता कितनी मजबूत होगी ये भी हम देखेंगे। ये लालू जी और नीतीश जी इमरजेंसी में जेल गए थे, इंदिरा जी की सरकार में कितना सफर किए थे, जेपी मूवमेंट के साथी थे, आज कुर्सी के लिए राहुल गांधी की स्तुति कर रहे हैं, एक उनके सामने झुक रहे हैं और एक उनकी शादी की बात कर रहे हैं। तो कुर्सी के लिए लोग कहाँ तक चले जाते हैं। और आज देखिए, जब एक बहुमत की सरकार आती है तो देश कहाँ पहुँचता है, ये नरेंद्र मोदी जी के अमेरिका की सफल यात्रा, कि अमेरिका भी आज भारत के साथ साझा रिश्ता बराबरी का कर रहा है, ये होता है। तो देश की जनता ने देखा है कि जब कोई ईमानदार मजबूत नेता है, उस पर बहुमत की सरकार आती है, तो देश का मान सम्मान विकास तीनों होता है। अब बाकी लोग आए हैं, अपना ठीक है, घूमे मिलते चले, लेकिन कोई इनको राजनीतिक लाभ नहीं मिलने वाला है। और ये कब तक चलेगा ये भी तो पता नहीं है। अभी तो एक केजरीवाल जी भागे हैं, बाकी देखिए क्या होते हैं। आफ्टर मीटिंग ममता बनर्जी ने कहा कि सर वी आर यूनाइटेड टू डिफीट बीजेपी, और हमारे पास जिस तरीके से लोकतंत्र को हम लोग सेव कर रहे हैं, हिस्ट्री को सेव कर रहे हैं, बीजेपी चेंज करना चाहती है। पहले जरा सा ममता जी से ये पूछिए कि अधीर रंजन चौधरी उनकी पार्टी को चोरों की पार्टी कह रहे हैं, उसका क्या जवाब है। और हम नीतीश कुमार और लालू प्रसाद से पूछते हैं कि जिस तरह से बंगाल में नॉमिनेशन नहीं देने के लिए दिया जा रहा है ग्राम पंचायत में, उस पर क्यों खामोश है। तो लोकतंत्र की हत्या तो ममता जी के सरकार में हो रही है, देख रहे हैं। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को भी इंटरव्यून करके कहना पड़ा है कि सेंट्रल फोर्सेस कराएगी। तो जिस राज्य में ईमानदार चुनाव नहीं हो सकता, वहां कांग्रेसी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो क्या ही लोग लोकतंत्र की बात करते हैं। राहुल गांधी ने तो सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की थी कि नहीं, बाद में माफी मांगा। चुनाव आयोग करते हैं कि नहीं, तो जितने भी संस्थाएं सेना की करते हैं कि नहीं, तो सभी संस्थाओं का तो अपमान ये लोग करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक आती है सर, उन्होंने एक अटैक किया है इस मीटिंग पर, कहा है कि जिस तरीके से इंदिरा गांधी ने लालू जी को, नीतीश जी को जेल में डाला, तो उद्धव ठाकरे के पिता बाल ठाकरे हो गए, ये लोग खिलाफ थे कांग्रेस के, आज सारे लोग एक साथ हो गए सत्ता के लिए, कांग्रेस का हाथ मिला रहे, राहुल क्यों गांधी का वेलकम कर रहे हैं। जॉर्ज फर्नांडिस को तो हथकड़ी में रखा गया था, नीतीश बाबू आपके गुरु थे ना इमरजेंसी में, उनको तो देशद्रोह का मुकदमा चलाया था। नीतीश बाबू, राम मनोहर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस, सबका गैर कांग्रेसवाद भूल गए। तो कुर्सी के लिए इतना गिर जाएंगे आप, कि जिस इंदिरा जी ने आप लोग को जेल में बंद कराया, जो जेपी को भी लाठी लगी गिरफ्तार।